नमस्कार प्रणाम आप सभी को बैठ चुके हैं मेरे भाई लोग। अभी आप लोगों ने विवाद देखा होगा छोटू चिंगारी और संतोष रेणु यादव का, जिसमें संतोष रेणु यादव सीता माता को गाली दिए थे और जो अगला बंदा कोई था वो राधा माता को। बट संतोष रेणु यादव का ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल गया था बट उसका नहीं मिला था, इसी वजह से संतोष रेणु यादव को सज़ा हो गई थी, अंदर डाल दिया गया और उसको नहीं डाला गया। एक तरफ से गलत है, दोनों को सज़ा मिलना चाहिए क्योंकि दोनों जातिवाद किए थे। फिर भी छोड़िए, आप लोग अगर कट्टर हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म से सनातन धर्म से आप सनातन धर्म को आप मानते हैं तो इधर भी आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दो तीन, तीनों फ़ोटो मैं एक वीडियो से निकाला हूँ जहाँ पे श्री राम को बदनाम किया जा रहा है। हिंदू धर्म से बीजेपी पार्टी आप लोग जानते ही होंगे, श्री राम का पोस्टर श्री राम का फ़ोटो लगाए हैं सब और इस फोटो को ज़मीन पर फेंक देते हैं और ज़मीन पर फेंकने के बाद से इस पर पैरों तले रौनते हैं, चप्पल जूता गुटका उटका सब इस पर खा के थूकते हैं। मेरे भाई लोग, क्या यह सनातन धर्म यह हिंदू धर्म की बदनामी नहीं है? जो खुद बीजेपी श्री राम का नाम लेती है, बोलती है कि हम हिंदू धर्म के बहुत रक्षक हैं, हम हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, वो खुद ऐसा काम कर रही है। भले योगी जानते हों, हमारे महाराज जी जानते हों या न जानते हों, लेकिन ऐसा गंदा काम कहीं सनातन धर्म को शोभा देता है? लोग सनातन धर्म किसी को ऐसे कर दे रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं, अपने तरफ से ये कर दे रहे हैं, लेकिन क्या इनको सज़ा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बस इतना आप लोग बता दीजिए। अगर आप कट्टर हिंदू हैं, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आवाज़ ज़रूर उठाइएगा कि किसी भी पोस्टर पे श्री राम का फ़ोटो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी भी पोस्टर पे ये लोग राजनीतिक तौर पर श्री राम का फ़ोटो लगा देते हैं लेकिन अगले दिन वही पोस्टर श्री राम जी कहीं कूड़ा में, कहीं करकट में, किसी पैरों के तले नीचे नज़र आते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, आप लोग बताइए। अगर आप लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तब, अगर नहीं मानते हैं तो यादव पर कभी आरोप मत दीजिएगा, क्योंकि यादव तो थोड़ा कम बदनाम करते हैं लेकिन आप लोग ज़्यादा बदनाम करते हैं, क्योंकि आप लोग किसी भी कहीं पे श्री राम का फ़ोटो लगा देते हैं, वही श्री राम जी फाट के कहीं इधर कहीं उधर, लोग उसे पैरों तले रौनते हैं, ये सही नहीं है मेरे भाई लोग। तो इस पर आवाज़ उठना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कहीं भी हो, कहीं दुकान या कहीं प्रचार हो, किसी जगह पे हमारे हिंदू धर्म का किसी भी देवी देवता का फ़ोटो एक्स्ट्रा नहीं छपना चाहिए, ना ही कहीं कूड़े करकट में। अगर कहीं देवी देवता का फ़ोटो किसी घर के सामने भी मिलता है या कहीं दुकान में मिलता है एक्स्ट्रा फेंके हुए, तो उस पर FIR होना चाहिए। अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो मेरे भाई लोग ये वीडियो को शेयर ज़रूर मारिएगा। अगर हिंदू नहीं हैं, बस आप लोग राजनीतिक तल पर बस खेल रहे हैं, तो आप ना मर्द हैं ना हिंदू नहीं है, बस आप बोली के लिए हैं। तो मेरे भाई लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए। ये कहीं पे भी किसी भी दुकान के सामने अगर फ़ोटो श्री राम जी का या हिंदू धर्म का किसी फ़ोटो का अगर गिरा हुआ या कहीं मिल गया तो उनके ऊपर FIR होना चाहिए। चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, सपा पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, इनसे भी गुजारिश है कि कहीं श्री राम या किसी हिंदू धर्म के देवी देवता को ना नाशें और ना पोस्टर लगाएं। आप जिसका जो आपका चिन्ह है उसका प्रयोग करें, उसका फ़ोटो लगाएं, क्योंकि अगले दिन आप लोग लगा रहे हैं, अगले दिन वो कूड़ा करकट या लोगों के पैर के नीचे मिला है फ़ोटो। हमारे हिंदू धर्म की ये सबसे बड़ी बदनामी है। तो प्लीज़ मेरे भाई लोग, इस वीडियो को इतना शेयर मारिए कि जो लोग अपने आप को सनातन धर्म मानते हैं, संतोष रेणु के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बोल दीजिएगा, मैं फुल वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डाल नहीं सकता, किसी और चैनल पर पड़ गया था, बस आप लोग को फोटो शॉट मैं दिखाया हूँ। तो सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए मेरे भाई लोग, कि कोई भी मतलब इस तरह का गलत काम ना करे या इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाए जो हिंदू धर्म के श्री राम को चाहे किसी भी देवी देवता को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह का आवाज़ उठे। बस इतना ही बोलूँगा मेरे भाई लोग, दबा के शेयर मारिए। संतोष रेणु के खिलाफ जो आवाज़ उठा था वो इनके खिलाफ भी उठे, पार्टी है बीजेपी, श्री राम को पैरों के तले रौना गया है। तो मेरे भाई लोग प्लीज़ दबा के शेयर मारिए, हर उस मूर्ख के पास पहुँचना चाहिए जो मतलब राजनीतिक तल पे ऐसा खेलता है और जातिवाद कराता है और हिंदू धर्म को बदनाम कराता है, चाहे जो भी कराता हो। तो मेरे भाई लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, आज एक शेयर लगाना पड़ेगा आपको, उसके पास पहुंचाना पड़ेगा जो इस तरह के काम करते हैं। प्लीज़ बस इतना ही बोलेंगे, नमस्कार प्रणाम।